दिस इज मनीषा यादव फ्रॉम ब्यूटी एंड डिलाइट केक क्राफ्ट। सो आज हम लोग एक नई रेसिपी लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है केसर कोकोनट ट्रफल बॉल। सो आप इसके साथ कई वेरिएशन कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सो आइए देख लेते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं इस रेसिपी के लिए। आइए यहाँ पे हम लोग केसर ट्रफल के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या लगने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड होगी डेसिकेटेड कोकोनट की। यहाँ पे हमने ले लिया है 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट। एंड सेकंड हमें लगेगा मिल्क मेड या फिर आप मिठाई मेड भी ले सकते हैं। क्वांटिटी मैंने 70-80 ग्राम लिया हुआ है। एंड फिर लिया है यहाँ पे डार्क मेल्टेड चॉकलेट। यहाँ पे मेल्ट करके हमने चॉकलेट ले लिया है, आप कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं बट यहाँ पे चॉकलेट लिया गया है। और चॉकलेट ईजिली मेल्ट करके डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, उसको आपको टेम्पर करना होता है। अगर आपने टेम्पर नहीं किया तो वो सेट नहीं होगा। अगर आपको चॉकलेट नहीं यूज़ करना है तो आप डार्क कंपाउंड ले सकते हैं, वाइट कंपाउंड ले सकते हैं, अपने चूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमें कोई बोर्ड चाहिए जिस पे हम लोग बॉल्स बना के रखेंगे। ये इसको बोला जाता है डिपिंग टूल, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग बना रहे हैं केसर चॉकलेट ट्रफल्स बॉल। तो हमें यहाँ पे केसर फ्लेवर की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं। आपके पास कोई अदर ब्रांड्स का हो तो आप वो भी ले सकते हैं। सो आइए हम लोग मिक्स करते हैं। ये मिल्क मेड हमने लिया हुआ था, इसको ऐड करना है, ठीक है। और हमें एक डो बनाना है सो दैट कि ईजिली हमारा बॉल रेडी हो जाए। यहाँ पे हम लोग केसर फ्लेवर बना रहे हैं, बट आपको केसर फ्लेवर नहीं चाहिए, कोई और फ्लेवर बनाना है तो आप कोई भी फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। सपोज रोज फ्लेवर बना सकते हैं, आलमंड हो गया, ओब्वियसली ये कोकोनट है तो कोकोनट का भी इंडिविजुअल फ्लेवर होता है, तो आप प्लेन कोकोनट के साथ भी बना सकते हैं। बट थोड़ा सा हमने यहाँ पर ट्विस्ट किया है विथ केसर फ्लेवर, तो बस ये डो जैसा बन जाना चाहिए इस तरीके से। तो ब्रॉक्स रेडी हो गया है। और थोड़ा सा हम लोग इसमें केसर फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ये डो रेडी हो जाए आपको बॉल्स बना करके रखनी है। बस आप एक बॉल बना लीजिए नॉर्मल साइज का, इस तरीके से आपको बॉल बनाना है। आप किसी भी बटर पेपर सरफेस पे आप रखेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर नट्स भी चॉप करके डाल सकते हैं। अभी हमारे ये सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं, तो अब हम लेते हैं डार्क मेल्टेड चॉकलेट लिया हुआ है और ये डिपिंग टूल। इस बॉल को मैं आपको ऐड करना है और कोट कर देना है नाइसली चॉकलेट से। इस तरीके से कोट करके आप किसी भी ट्रे या फिर जो भी है आपके पास, बस वो नीचे स्टिक ना हो तो आप बटर पेपर लगा सकते हैं। यहाँ आपने डार्क चॉकलेट लिया है, आप वाइट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे सारे बॉल्स हमारे चॉकलेट में कोट हो चुके हैं, तो या इसको थोड़ा फैंसी या डेकोरेटेड बनाने के लिए आप, हमने यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट लिया था, ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट में रोल कर सकते हैं, या फिर आप चॉकलेट ड्रिजल कर सकते हैं, या आप ग्लिटर का कोट कर सकते हैं, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन और डेकोरेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं चॉकलेट, वाइट चॉकलेट ड्रिजल करेंगे। सो
सो विल मेक द फाइन लाइन. चॉकलेट आपको मेल्टेड फॉर्म में लेना है. जस्ट अभी इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे. सेट होने के बाद हम लोग इसको डीमोल्ड करेंगे. सो आइए देखिए हमारा यहाँ पे केसर कोकोनट ट्रफल्स बॉल रेडी हो गया है. तो कट करके देखते हैं ये कैसा बना है. सी ये इनसाइड हमारा कोकोनट केसर कोकोनट फिलिंग है और आउटसाइड ये थिन लेयर हमारा डार्क चॉकलेट का है. तो होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी. आप जल्द से जल्द इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ये कैसा लगा आपको. और भी कोई आपकी डिमांड है कोई फ्लेवर या बेकिंग से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई ट्राई कि हम लोग जल्द से जल्द आपके लिए वो रेसिपी लेके आएँ. सो आप एज अ ट्रीट इसको यूज़ कर सकते हैं. कहीं आप फैमिली फ्रेंड्स कहीं भी जाएं आप इसको बना करके आप गिफ्ट कर सकते हैं. तो इस रेसिपी की स्टोरेज है, आपको अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो आप इसको डीप फ्रीज़र में बॉक्स एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रखें. और डीप फ्रीज़र में रखेंगे तो ये लंबे समय तक चलेगा. और अगर आपने बाहर रखा हुआ है तो इसमें एक्चुअली मिल्क मेड है तो सेल्फ लाइफ इसकी कम होगी. 2-3 दिन में आपको इसको कंज्यूम करना होगा. लॉन्ग सेल्फ लाइफ के लिए आपको इसको डीप फ्रीज़र में रखना है, फिर आप इसको ज़्यादा समय के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. सो ओके गाइस, सो हमने इस सेशन में कंप्लीट किया है केसर कोकोनट ट्रफल बॉल. सो होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आएगी. जल्द से जल्द इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी. आगे आपको कोई भी बेकिंग रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए या कोई न्यू रेसिपी चाहिए जो आपको नहीं आ रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. हम लोग जल्द से जल्द उस रेसिपी को ट्राई करेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे. सो इस तरीके की न्यू रेसिपी सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें सो दैट कि आपको आगे की रेसिपी का नोटिफिकेशन इजीली आ जाए. ओके गाइस, आपको बेकरी रिलेटेड बेकिंग के रिलेटेड आपको कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, टूल्स इक्विपमेंट या फिर रॉ मटेरियल्स, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम लोग भोपाल बेस्ड हैं और सारा डिटेल हमारे स्टोर का पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. आप वहां जाकर के हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और प्रोडक्ट की डिलीवरी हम लोग पूरे इंडिया में करवाते हैं तो सेफली आप तक प्रोडक्ट बहुत अच्छे पैकेजिंग के साथ आप तक पहुँच जाएगा. डिटेल भी आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं या फिर हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने अपलोड करके रखे हुए हैं, आप वहाँ से सेलेक्ट करके हमें बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.